हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे क्विज़ नंबर 4। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स की एक पूरी सीरीज़ चला रही हूँ IBPS PO मेंस के लिए। लेकिन ये सीरीज़ जो है ये इंडियन बैंक PO का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी काम आएगी। तो इंडियन बैंक और IBPS PO इन दोनों के लिए ये सीरीज़ बेनिफिशियल रहेगी। तो जिनका भी इंडियन बैंक PO का प्री क्लियर हो चुका है वो लोग भी इस सीरीज़ को करिए, और IBPS PO मेंस की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट्स इस सीरीज़ को करिए। यहाँ पर मैं सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लूँगी ताकि एग्जाम तक आपके लिए कुछ भी ना छूटे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को, ताकि जैसे ही मैं नए क्विज़ रोज़ लाऊँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उनको कर पाओ। तो आज हम क्विज़ 4 करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन टू इंक्रीज वेजेस ऑफ आर्टिसंस बाय ओवर हाउ मच परसेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कि जो भी खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम करते थे उनकी वेजेस को इंक्रीज़ करने के लिए। अब उनकी वेजेस कितने से इंक्रीज़ हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 36%। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो कौन सी सिटी में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ। इसको ध्यान रखना, न्यू दिल्ली मत कर देना, इसका आंसर लखनऊ है। अब इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन द स्वच्छ कैंपस रैंकिंग 2018? तो HRD मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ये स्वच्छ कैंपस रैंकिंग को डिक्लेयर किया है। हमारे HRD मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, अब ये जो स्वच्छ कैंपस रैंकिंग है ये स्वच्छता ही सेवा कैंपिंग जो हुआ था उसके अंडर सर्वे के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी गई है यूनिवर्सिटीज़ को। तो इसमें जो सबसे क्लीनेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। रोहतक कहाँ है? हरियाणा में। तो हरियाणा की जो ये यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये सबसे क्लीनेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मानी गई है। और इसमें सेकंड नंबर पे है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2018 वर्ल्ड हैबिटेट डे? 2018 के वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम क्या थी? अब वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो मनाया कब जाता है? वो मनाया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, अब 2018 में फर्स्ट मंडे जो था वो फर्स्ट अक्टूबर को ही था, तो 1 अक्टूबर 2018 को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट एवर जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो फर्स्ट जनरल असेंबली हुई है उसका वेन्यू क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, न्यू दिल्ली। ये जो है ये PM मोदी ने इनॉग्रेट करी है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंडिया और फ्रांस का एक जॉइंट वेंचर है। इन दोनों ने मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस को खोला है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। इसका हेड क्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोम हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? दुनिया का सबसे बड़ा डोम, डोम यानी गुंबज, वो कौन सी कंट्री में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंडिया। इंडिया में अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा डोम जो है उसको इनॉग्रेट किया है। और इंडिया में कहाँ वो इनॉग्रेट हुआ है? पुणे में। इससे पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा डोम था वो था वेटिकन सिटी में। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू लॉन्च मार्स मिशन होप बाय 2020? तो मार्स पे जाने का जो मिशन है होप वो कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये मिशन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अरब और मुस्लिम कंट्रीज़ में से फर्स्ट कंट्री बन जाएगी जिसने मार्स में जाने का मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इनकी कैपिटल और करेंसी भी। तो ओमान की जो कैपिटल है वो है मस्कट और इसकी करेंसी है रियल। UAE की करेंसी कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम।
ईरान की कैपिटल है तेहरान और इसकी भी करेंसी है रियल। इराक की कैपिटल है बगदाद और इसकी करेंसी है दिनार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग। इंडिया और यूएस के बीच में जो 2+2 डायलॉग हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, न्यू दिल्ली। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 2+2 डायलॉग है वो कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ है? इंडिया और यूएस के बीच में, और हुआ कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज़ इन विच स्टेट? सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोवा। अब सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो है जम्मू एंड कश्मीर में और सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री मोबाइल फ़ोन्स टू वुमेन ऑफ बीपीएल फैमिलीज़? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज़ हैं उनके वुमेन को फ्री मोबाइल फ़ोन्स प्रोवाइड किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। राजस्थान की गवर्नमेंट ने भामाशाह योजना के तहत जितने भी बीपीएल फैमिलीज़ हैं उनके वुमेन को फ्री मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल एविएशन समिट 2018? तो इंटरनेशनल एविएशन समिट जो है वो कहाँ पर हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, न्यू दिल्ली। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर है वो कौन है? वो है सुरेश प्रभु। और सुरेश प्रभु हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट अभी कौन इलेक्ट हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के जो पीएम इलेक्ट हुए हैं वो आप सबको पता होगा, इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन शूटर बैग्ड गोल्ड इन द 50 मीटर पिस्टल इवेंट एट 2018 ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन साउथ कोरिया? तो ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि अभी साउथ कोरिया में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप कहाँ हुई है? साउथ कोरिया में। इसमें 50 मीटर पिस्टल इवेंट में इंडिया की तरफ से गोल्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओम प्रकाश मिथरवाल। तो ओम प्रकाश मिथरवाल ने 2018 की ISSF वर्ल्ड चैम्पियन में सबसे पहला गोल्ड जीता है इंडिया के लिए, और उन्होंने जीता 50 मीटर पिस्टल इवेंट में। अब आपको एक दो चीज़ें तो ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि ISSF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिक जर्मनी में। और अभी ये जो इवेंट हुए हैं इसमें इंडिया ने थर्ड पोजीशन हासिल करी है और इंडिया ने जीते हैं 27 मेडल्स, जिनमें से 11 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज है। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री को बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंडिया। इंडिया को अभी अभी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका? कोस्टा रिका की कैपिटल क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सैन जोस। हवाना किसकी कैपिटल है? हवाना है क्यूबा की कैपिटल, और क्यूबा की करेंसी क्या है? पैसो। कोस्टा रिका की कैपिटल है सैन जोस और कोस्टा रिका की करेंसी है कॉलन। क्यूटो किसकी कैपिटल है? ये है इक्वेडोर की कैपिटल और इसकी करेंसी है डॉलर। कायरो है इजिप्ट की कैपिटल और इजिप्ट की करेंसी है पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 2018 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मैत्री 2018 जो है वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, थाईलैंड।
Which state government has signed pact with Tech Mahindra to establish India's first blockchain district? India की पहली blockchain district जो है वो कौन सी state में बनेगी? और इसके लिए इन्होंने Tech Mahindra के साथ एक pact को sign किया है. तो इसका answer है option number 3, तेलंगाना. तो तेलंगाना के हैदराबाद में सारी ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स और कंपनीज है वो इस्टेब्लिश होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर्स राइस क्रीक अंडर प्रोजेक्ट शक्ति? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, IIT मद्रास. अब देखो यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रोजेक्ट शक्ति है उसके अंडर जो भी IIT मद्रास के स्टूडेंट्स हैं और कुछ साइंटिस्ट हैं वो लोग 6 टाइप के माइक्रो प्रोसेसर की फैमिली को डिज़ाइन करेंगे. तो अब ये जो 6 टाइप के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनमें से जो पहले टाइप का माइक्रो प्रोसेसर है वो डिज़ाइन हो चुका है और इसका नाम है राइस क्रीक. ठीक है, अब ये जो है इसमें है 300 चिप्स. तो ये जो फर्स्ट फैमिली है इसमें है 300 चिप्स और इसका नाम रखा गया है राइस क्रीक. और ये किस प्रोजेक्ट के अंदर है? प्रोजेक्ट शक्ति के अंदर. और कौन सी IIT इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने इसको डेवलप किया है? तो वो है IIT मद्रास. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 122 न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹112 करोड़ अंडर विच स्कीम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, Imprint 2. यहाँ पर इम्पैक्ट का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान होना चाहिए. इम्प्रिंट का फुल फॉर्म है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. तो इसके अंडर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितने न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, 122, और कितने करोड़ का बजट होगा, 112 करोड़ रुपीज़ का, और इसका नाम है Imprint 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच बैंक टू रिसीव ₹25,000 करोड़ एज अ लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन फॉर 10 ईयर्स? तो यहाँ पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौन से बैंक के साथ ये MOU साइन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अब जो रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवेज जो हैं इसके हमारे मिनिस्टर कौन हैं? नितिन गडकरी. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CEO कौन है? रजनीश कुमार. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब 4 MD है. अभी अभी जो न्यूली अपॉइंटेड MD है वो कौन है? अंशुला कांत. इसके अलावा 3 MD है, एक है अरिजीत बासु, एक है DK खरा और एक है PK गुप्ता. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन शटलर टू विन द वुमेन सिंगल वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप फॉर 3rd टाइम? कौन सी ऐसी पहली वुमेन शटलर बनी है जिन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप को 3री बार जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कैरोलिना मार्टिन. तो इन्होंने किन को हराया था फाइनल्स में? इन्होंने हराया था PV सिंधु को. और कैरोलिना मार्टिन है स्पेन की. विच कंट्रीज टीम हैज़ वन द 14th एडिशन ऑफ विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018? तो विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था अभी 2018 में वो कौन सी कंट्री ने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नीदरलैंड्स. नीदरलैंड्स ने फाइनल्स में आयरलैंड को हराकर ये जीता था. और इंडिया की इसमें पोजीशन आई थी 8th. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड अ काउंसिल मेंबर ऑफ ICANN पैनल कंट्री कोड नेम सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ICANN जो है उनके फर्स्ट इंडियन काउंसिल मेंबर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अजय डेटा. अजय डेटा जो है वो डेटा एक्सजेन कंपनी के फाउंडर और CEO भी है, तो ये आप ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ एंड एशियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू कम अप सून इन विच सिटी? इंडिया और एशिया की फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो कौन सी सिटी में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पटना. पटना बिहार में इंडिया और एशिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ कैपिटल लैब स्मॉल फाइनेंस बैंक?
लैब का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया बैंक। तो कैपिटल लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है जलंधर, पंजाब में, ठीक है। और जो इंडिया का फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक था वो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द UNHCR, UN's रेफ्यूजी एजेंसी हैज़ ऑनर्ड डॉक्टर इवान अतर अदाहा विथ द 2018 नैनसन रेफ्यूजी अवार्ड एट अ सेरेमनी इन जनेवा। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? अब जो UNHCR है, UNHCR क्या है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। इन्होंने डॉक्टर इवान अतर अदाहा को नैनसिन रेफ्यूजी अवार्ड दिया है। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, साउथ सुडान। अब आपको इसमें ध्यान रखना है इनका नाम भी और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, साउथ सुडान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द 36 नेशनल गेम्स 2019 विल हेल्ड? तो 36 नेशनल गेम्स जो है वो कौन सी सिटी में होंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोवा। गोवा में होंगे 2019 के नेशनल गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड अ रीफाइनेंस असिस्टेंस ऑफ ₹200 करोड़ टू फ्लड हिट एरिया ऑफ केरला? केरला में जो फ्लड की वजह से जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए कौन से बैंक ने रीफाइनेंस असिस्टेंस दिया है 200 करोड़ का? अब इसमें क्या होगा, वो लोग थोड़े से कम इंटरेस्ट पे उनको लोन्स देंगे। तो ये कौन से बैंक ने किया है? ऑप्शन नंबर 4, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिन हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है काजिन, ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कजाकिस्तान। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई है काजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा? फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि फीफा भी हुए थे, तो पूछ सकते हैं कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। तो आज के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी रिकमेंडेशन या सजेशंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताइए, या आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो वो भी आप मुझे बताइए, मैं वो भी सॉल्व करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं लेकर आऊँगी क्विज 5। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।